नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के गठन के बाद से ही एक्शन मोड में। लगातार वो सूबे की जनता को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार राज्य के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास के काम पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की, उनका फायदा कैसे जन जन तक पहुंचे, उनकी सरकार इस दिशा की तरफ तेजी से काम कर रही है। साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों को सख्त हिदायत दी जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग प्रदेश को छोड़ दें, साथ ही वो लोग भी सूबे को छोड़कर जा सकते हैं जिन्हें कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि योगी के इन दावों पर आखिर अमल कैसे होगा। एक महीने में कानून व्यवस्था को सुधारने का जो वादा मुख्यमंत्री ने किया है, उसको पूरा करने के लिए वो किस तरह के कदम उठाएंगे, साथ ही उन लोगों पर शिकंजा कैसे कसेंगे जो लोग भगवा के नाम पर गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों से निपटने के लिए योगी सरकार के पास आखिर ब्लूप्रिंट क्या होगा। और एक और अहम सवाल ये भी कि जिस मंच से योगी जी सूबे की जनता को संबोधित कर रहे थे, उस मंच पर हत्या के आरोपी निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी की मौजूदगी के मायने क्या है, आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनता से किए वादों को पूरा करने को लेकर लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। प्रदेश की छवि को कैसे बेहतर किया जाए, विकास के कामों को कैसे धरातल पर उतारा जाए, इसको लेकर वो लगातार अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सख्त लहजे में कहा कि जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं वो प्रदेश छोड़ दें, और वो लोग भी जिन्हें कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे की छवि और विकास को लेकर गंभीर हैं। पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से किए गए थे, उनको पूरा करने पर योगी पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दो दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कानून को न मानने वालों को सख्त चेतावनी दी। हम लोग पहले ही इस बात का आग्रह कर चुके हैं कि जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं, वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उनके दिन बन चुके हैं। हम लोग प्यार से एक बार दो बार समझाएंगे, लेकिन कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो फिर सत्य के साथ कानून अपना कार्य प्रारंभ करेगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर हमले किए थे और शायद इसी उम्मीद में सूबे की जनता ने बीजेपी को हाथों हाथ लिया। अब योगी इस बाबत कोई ढील नहीं बरतना चाहते। बेटियों बहुओं की सुरक्षा से लेकर के एक सामान्य नागरिक और व्यापारी की सुरक्षा पर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। हकीकत यह भी है कि योगी ने सत्ता संभालने के फौरन बाद ही पुलिस को निर्देश दिया था कि उत्सव के जोश में हुड़दंगियों को बर्दाश्त न किया जाए। योगी ने ईवीएम पर निशाना साधने वालों पर पलटवार करते हुए ईवीएम के मायने समझाए। और दिल्ली की जनता ने भी इस बात को साबित किया है कि अब ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी, और वह एवरी वोट मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर स्थान पर कार्य करेगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सूबे के विकास के लिए अपने वादों को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश से पलायन को रोकने के लिए रोजगार को बढ़ावा देंगे और शासन प्रशासन में बदलाव का एहसास जनता को करवाएंगे। लेकिन इन तमाम वादों के बीच योगी के मंच पर हत्या के आरोपी निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी की मौजूदगी कुछ सवाल भी खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अक्षय सिंह गौर, एपीएन। तो उत्तर प्रदेश की बेपटरी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में यह कह दिया है कि जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग उत्तर प्रदेश छोड़ दें, और ऐसे लोग भी सूबे को छोड़कर जा सकते हैं जिन्हें कानून पर भरोसा नहीं है।
हालांकि योगी आदित्यनाथ की इस चेतावनी पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है, ये रिएक्शन आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बीजेपी के सांसद जी हैं जिन्होंने जिस तरह की घटना सहारनपुर में की है उनके लिए भी यही आदेश है, और जो सांसद बाराबंकी की हैं उन जो खाल नोच ले रही हैं पुलिस की उनका उनके लिए भी आदेश है, या विधायक जो टोल ब्रिज पे धनाधन थप्पड़ मारे जा रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके लिए भी अगर ये आदेश है तो अच्छी बात है, उनको छोड़ के जाना चाहिए उत्तर प्रदेश। नहीं, हमें लगता है कि तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को सहारनपुर के उन एमपी को बाहर निकालना चाहिए जिन्होंने एक एसएसपी के आवाज़ पे जाके तोड़फोड़ की, उसके बाद उनको उस हरदोई के एक विधायक को निकालना चाहिए जिन्होंने थाने में दरोगा को फ़ोन करके जो है गालियाँ दी, फिर उनके उसके बाद उनको सीतापुर के उस विधायक को निकालना चाहिए जिसने टोल प्लाजा पे गुंडागर्दी करी और मारपीट करी, फिर उसके बाद उनको बाराबंकी की सांसद को निकालना चाहिए जो कहती हैं कि खाल खिंचवा लूँगा अगर काम नहीं किया, फिर उसके बाद उनको जो उनके हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं सदस्य हैं जिसको माननीय योगी जी ही के संरक्षण में जो बन रहा है उनको निकालना चाहिए जो एक चर्च में घुस के जो है बदतमीजी करते हैं तोड़फोड़ करते हैं। देखिए, योगी जी ने जो बात कही है वो बहुत अच्छे इरादे के साथ कही है, और जैसा वो प्रयत्न कर रहे हैं हर क्षेत्र में तरक्की करने के तो उससे लगता है कि वो बहुत कुछ उस विषय में सफल भी होंगे, परंतु कोई भी व्यक्ति 100% कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकता क्योंकि वो स्थिति कभी आ ही नहीं सकती है। तो शासन को चाहिए कि जैसा योगी जी प्रयत्न कर रहे हैं वैसा करें, साथ ही साथ कुछ घटनाएँ ऐसी हुई हैं जिसमें कि सत्ताधारी दल के नेताओं ने कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, इससे इसकी ओर योगी जी का और साथ में शासन का ध्यान जाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तो आप सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि योगी के इन दावों पर आखिर अमल कैसे होगा, एक महीने में कानून व्यवस्था को सुधारने का जो वादा मुख्यमंत्री ने किया उसको पूरा करने के लिए वो किस तरह के कदम उठाएंगे, साथ ही उन लोगों पर शिकंजा कैसे कसेंगे जो लोग भगवा के नाम पर गुंडागर्दी से अब तक बाज नहीं आ रहे, और ऐसे लोगों से निपटने के लिए योगी सरकार का ब्लूप्रिंट क्या होगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से मनोज त्यागी जी हैं, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, साथ ही लखनऊ से नरेंद्र सिंह राणा जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं। कैप्टन द्विवेदी जी हैं, आप रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। चंद्रशेखर पांडे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुब्रत त्रिपाठी जी हैं, आप पूर्व डीजी हैं रूल्स एंड मैनुअल्स। साथ ही एसआर दारापुरी साहब हैं, आप रिटायर्ड आईजी हैं। और वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नरेंद्र सिंह जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा, योगी जी सख्त लहजे में चेतावनी देते तो नजर आ रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि एक महीने में कानून व्यवस्था को पटरी पर लेकर आया जाएगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उम्मीद लोग क्या करें उत्तर प्रदेश की कि क्या यूपी में योगी राज में अब कानून का राज भी देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, बात योगी राज की या भाजपा के राज की नहीं है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया, ये सामने है सबके। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था खराब थी और यहाँ पर बिजली पानी सड़क इस चीज की कहीं ना कहीं कमी थी, और जो भी व्यवसायी कहीं उद्योग लगाते हैं वो वहाँ पर ये जरूर चाहते हैं कि वन विंडो सिस्टम हो, कानून व्यवस्था ठीक हो, उनका उत्पीड़न ना हो, तब जाकर वो अपना यहाँ सेटअप खड़ा करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और हमने अपने घोषणा पत्र में 2 महीने पहले से ही ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज होगा, संविधान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत जो कानून हमको कार्रवाई करने के लिए कहता है वो कार्रवाई होगी। और जनता के बीच में जब हम इस बात को लेके गए तो जनता ने हमको 325 विधायकों के साथ जो है इस बात पर मोहर लगाई, तो ये बात कोई हमारी नई नहीं है, ये बात तो लेकर ही हम बहुमत लेने गए थे क्योंकि प्रजातंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता अगर नकार देती तो हम क्या कर पाते, लेकिन जनता ने इसको स्वीकार किया है, तो अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो। अब जो छोटी मोटी घटनाएं जैसे सामने आई,
वो बिल्कुल उचित नहीं है। हमने कहीं हमारे किसी नेता ने किसी ने उसका समर्थन किया हो तो मैं उसके लिए जो है पूरा मैं भी मीडिया में लगातार बना रहता हूं। तो जहां हुई क्यों हुई देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको उचित नहीं ठहराया गया। अब जो बात है जैसे बहुत विद्वान पैनल है कि हमारे मूल में क्या है, यानी ठीक है एक घटना कहीं हुई दो घटना कहीं हुई तो वो घटना रिपीट हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। यदि हमारे मूल में ही कानून है, यदि हमारे मूल में ही पवित्रता है, मूल में ही देश प्रेम है, तो हम ये छोटी पोटी जो घटनाएं घटती भी होंगी, आज हुई है कल नहीं होंगी, कल हुई है तो परसों नहीं होंगी, उनको खत्म होना ही पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबके लिए, सबको उत्तर प्रदेश उत्तम चाहिए तो सबको कानून व्यवस्था का पालन भी करना है। तो ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश है, इसको आगे बढ़ाना ही, उसके लिए सबसे पहले कानून व्यवस्था, फिर बिजली है, फिर सड़क है, हम सब चीजों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सुब्रत त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, काफी लंबा अनुभव उनका रहा है प्रशासनिक तौर पर। सर, एक महीने का वादा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि एक महीने बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार होगा। किस तरह का ब्लूप्रिंट होना चाहिए और किस तरह का ब्लूप्रिंट हो सकता है सरकार का? देखिए, ब्लूप्रिंट एक सेकेंडरी चीज मैं मानता हूं, पहली चीज है नियत। अगर कोई आदमी जो अथॉरिटी में है जी, वह अगर डिटरमिन कर लेता है कि इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए और उसकी नियत में कोई खोट नहीं है और निश्चय दृढ़ है, तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी इतनी होशियार है कि वह तत्काल अपना दृष्टिकोण बदल लेती है जब तक कि उसे कहीं से गलत काम के लिए संरक्षण न मिले। जो सत्ता चाहती है वह होता है, किसी भी गवर्नमेंट में किसी भी जगह पर उतनी विकृतियां बचती हैं जितनी विकृतियां गंगोत्री में होती हैं। अगर शासन चाहेगा तो जितने परसेंट चाहेगा, जितने परसेंट उसकी इच्छा होगी उतने परसेंट विकृतियां दूर हो जाएंगी। इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बछड़ा जो है वह खूंटे के दम पर उछलता है। बड़ा से बड़ा पॉलिटिकल संरक्षण हो, लेकिन जब तक अपनी मर्जी का इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, एसपी, एसएसपी कोई आपराधिक तत्व जिले में नहीं बैठा लेता है, तब तक वह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं करता है। यहां जरूर मैं कहना चाहूंगा कि पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के जी जो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए वह जिम्मेदारी मुझे तय होती नहीं दिख रही है। हो सकता है आगे तय हो, क्योंकि कार्रवाई तो हो रही है लेकिन करने वालों पर हो रही है, जिनके यहाँ क्राइम हुआ, जिनके यहाँ जांच हुई, जो गलत पाए गए उनको ठीक करने का जिनका जिम्मा था उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई जी, तो शायद सुधार लाने में लंबा समय लगे। क्योंकि किसको किसको आप पकड़ेंगे? अगर एक आदमी को आप देर से आता पकड़ते हैं तो उसके सुपरवाइजरी स्तर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक जगह जैसे कि प्रजापति जी के केस में जी मुलजिम पर अपील हुई, कितने बलात्कार हत्या केस हुए हर गवर्नमेंट में जिसमें कोई अपील नहीं हुई। इसी तरह जिस आदमी ने खाली एफआईआर लिख लिया जी जी प्रजापत जी के संरक्षण देने वालों के खिलाफ, एफआईआर का नियम है चाहे सही हो या झूठ हो लिखा जाना चाहिए, उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। कदाचित इससे गंभीर मामलों में वार्निंग दे दी गई। और यह चीज, इस तरह की चीजें देखनी पड़ेंगी कि किन परिस्थितियों में अगर प्रजापत जी को संरक्षण देने वाले का आरोप जिस पर लग रहा है उस पर अगर किसी इंस्पेक्टर ने एफआईआर लिख लिया तो सही है या गलत है, एफआईआर लिखना उसकी ड्यूटी। यानी सर, आपको लगता है कि तमाम जो बारीकियां हैं उन बारीकियों पर भी सरकार को गंभीरता के साथ विचार करना होगा और तब कहीं जाकर इस बात को लेकर उम्मीद की जा सकती है कि कानून का राज सूबे में हो। चंद्रशेखर पांडे जी क्या कहना चाहेंगे, जो बात अभी त्रिपाठी जी की तरफ से कही गई है कि सरकार की नियत पर ये सब टिका होता है कि सरकार किस तरह से काम कराना चाहती है, कानून व्यवस्था को किस तरह से बनाए रखना चाहती है, ये सवाल आपकी तत्कालीन अखिलेश सरकार पर भी उठता है कि क्या नियत साफ नहीं थी क्या?
और अब योगी सरकार की नीयत साफ नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, जो आपने कहा पहली बात, तो मैं सुब्रत त्रिपाठी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ दोनों चीजों से कि पहली बात, यदि चाहे, यदि पुलिस तंत्र हमारा चाहे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ चेंज कर सकता है, परंतु नीति क्या है और नियत क्या है, ये दोनों चीजों का बड़ा रोल होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे दोनों चीजों में कि वो कह रहे हैं एक महीने में सुधर जाएगा, अब तो डेढ़ महीने की सरकार हो चुकी है, ठीक है, अब आप इस बात से नहीं मुंह कर सकते हैं, कभी तो दो दिन हमको आए हुआ, 45 दिन के अंदर जो अपराध का ग्राफ है उसमें दो तरीके का बड़ा क्रांतिकारी चेंज हुआ, एक तो जो रेशियो बढ़ा हुआ अपनी जगह है, दूसरी बात ये कि पहली बार ये हुआ कि जो सत्ता पक्ष के बड़े बड़े विधायक हैं, जो कद्दावर लोग हैं, वो सीधे पुलिस पे बुरी तरीके से हमला करें। आप ही के चैनल पे आप या लगभग हमें लग रहा आधा पैनल हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई भी उस वक्त मौजूद थे जब एक ही दिन में तीन विधायकों ने पुलिस के सरकारी बिल्ले को खींच के मारा था, और हमने एक अपील की थी है कि भाई कुछ भी हो चलो ठीक है सब कुछ है, आप ट्रेनिंग देंगे, आगे रोके करेंगे, सारे वायदे कर रहे हैं, कम से कम इतना तो कर दे कि 325 विधायक आपको दिए गए हैं उनमें से तीन निकालने से भी तीन चौथाई ये रेशियो आपके पास है, आपका रेशियो सरकार पे संकट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं उनको निकाला जाता है। हम कह रहे हैं वो किसको, माननीय जो योगी जी हैं वो किसको बाहर जाने की बात कर रहे हैं, 50% क्राइम भले पब्लिक कर रही हो सकता है आप कह देंगे, लेकिन 50% तो एक्सेप्ट करिए कि वो भाजपा के बड़े नेता कार्यकर्ता हिंदू वाहिनी इस तरीके से जो अजीब अजीब टाइप के तो जितने हिस्ट्री सीटर अपराधी कुल जो भगवा लगाए घूम रहे हैं ये यही लोग तो कर रहे हैं, अगर 50% भी ये अपराध कर रहे हैं तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के 50% से 70% लोगों को उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की बात कर रहे हैं? मैं एक अपील करना चाहूंगा कि बात सारी भारतीय जनता पार्टी को भेजेंगे कहां, सवाल ये वहां से नहीं, अगर आप एमपी भेजेंगे तो वहां वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वहां व्यापम जैसा शासकीय मर्डर होते हैं। हमारी अपील सिर्फ इतनी है कि आप सिर्फ एक काम करिए कि जितने भी ये हिस्ट्री सीटर हैं जो सरेआम घूम रहे हैं, जो वायदा था इस सरकार का कि 40 दिन के भीतर प्रत्येक हिस्ट्री सीटर सताकों के पीछे होगा, मोदी जी योगी जी 40 दिन पूरा हो चुका है, आप हमारे भी मुख्यमंत्री, मैं अपील फिर आपको वायदा याद दिलाता हूं कि पहले कोई एक, आपने 2-400 वायदे किए हैं, दो वायदे पूरा करके फिर आ जाइए, पहले हिस्ट्री सीटरों को अंदर कीजिए, जो आपके विधायक पुलिस पे हमला कर रहे हैं उनको आप बर्खास्त करिए, उनको आप पार्टी से बाहर करिए, आप जब ऐसा करेंगे तो आपको शीशेबाजी सोबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह जो उनका बयान है वो पूरी तरीके से मीडिया को बैठाने के लिए है, चर्चा के लिए है, इसका धरातल पे कोई असर नहीं दिखेगा जब तक सर हिसाब तो हम मांगेंगे ना चंद्रशेखर पांडे जी, अगर आप लोग हिचकेंगे हिसाब मांगने में, हम लोग यहाँ पर मौजूद है, एक महीने के बाद कानून व्यवस्था पर हिसाब लेंगे योगी सरकार से। बिल्कुल अच्छा जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि आपने पहले भी किया है आज भी कर रहे हैं, पर एक बात और मैं कह दूं कि उस मंच पे आपने, आपके एंकर ने जो आपके रिपोर्ट में एक चीज थी बड़ी गंभीर कि उस मंच पे वो शख्स बैठा था जो उस पूरे क्षेत्र के तीसरे नंबर की क्रिमिनल फैमिली या आप जो भी आरोपी तो कही लीजिए। सर हम ये सवाल उठा रहे हैं, हम इसके मायने भी समझने का प्रयास करेंगे, नरेंद्र सिंह राणा भी इस पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले कैप्टन द्विवेदी जी मैं आपके पास आता हूं। अभी चंद्रशेखर पांडे जी ने कहा कि डेढ़ महीने का वक्त तकरीबन हो गया, 40 दिन से ज्यादा का दिन हो चुका है, कितना कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? हालांकि किसी भी सरकार को थोड़ा वक्त चाहिए होता है सरकार की योजनाओं को जमीन पर लाने के लिए भी, और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में भी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं कि डेढ़ महीने में कुछ परिवर्तन हुआ, क्या एहसास आपको हुआ कुछ परिवर्तन का? अक्षत देखें, ऐसा है कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जी। पहला एस्पेक्ट यह है ऑर्गेनाइजेशनल, जो सरकार बनी उसको बहुत विलंब हो गया ये तलाश करने में कि उनका पुलिस का मुखिया कौन होगा और बाकी उससे संबंधित अन्य अधिकारी कौन होंगे। इसके बाद अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये देखेंगे कि चुनाव के पहले पार्टी इन पार ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करी थी कि साहब जो थानों पे लोग बैठे हुए हैं, ज्यादातर लोग एक समुदाय विशेष के, एक जाति विशेष के लोग हैं, और वो लोग किसी विशेष कारण से किसी विशेष पार्टी को समर्थन कर रहे हैं जी। उनमें अभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल नीति और नियति लेकर के अनाउंसमेंट से ये जब तक ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस और चेंजेस के साथ में जो
लोग डाउटफुल कैरेक्टर के हैं या जो लोग ब्लैक स्पॉट जिन पे है जी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक ग्राउंड पे कोई चीज नहीं दिखाई देगी। ये अवश्य है कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हुए हैं उन्होंने एक जो स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी स्तर पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सुशासन का राज्य होगा, तो काफी हद तक ये एक मैसेज डाउन द चेन गया है जी। लेकिन जैसा कि अभी हमारे एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि कुछ लोग जो पार्टी इन पावर से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने कुछ अभद्रता की, कुछ इनडिसिप्लिन की, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये देखना पड़ेगा कि ऐसे लोग भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करें, इसके लिए कोई ना कोई अंकुश लगाने का कार्य उच्चस्त लेवल पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ में एक मैसेज ये डिस्ट्रिक्ट्स में देना पड़ेगा कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी, जैसे हमारे बड़े भाई सुब्रत जी ने अभी बताया आपको जी, कि उसमें जो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, जो एसएसपी होते हैं, जो डीआईजी होते हैं, जो आईजी होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तय होगी कि अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होती है तो उसमें उन्होंने क्या एक्शन किया, और एक्शन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है। यानी आपको लगता है जी, बिल्कुल आपका यही कहना है कुल मिलाकर कि एक पारदर्शिता की भी जरूरी जरूरत है और साथ ही जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है, तब कहीं जाकर फर्ज के प्रति अधिकारी भी थोड़ा सजग होते नजर आएंगे। एसआर धारापुरी साहब, गवर्नेंस का ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसके लिए ये आवश्यक है जी। ठीक है सर, एसआर धारापुरी साहब मैं आपके पास आता हूं। जैसा भी कैप्टन द्विवेदी साहब ने कहा कि डीजीपी बदलने में वक्त लगा, हम लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद जो पुराने अधिकारी हैं सरकार संभलने का एक मौका देना चाहती है कि अगर आप ही बेहतर काम करें, गुंजाइश कम थी तभी बदला गया डीजीपी। नहीं देखिए, ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव होता है, वो किस अधिकारी को कहां रखकर उसे क्या काम लेते हैं। अब उन्होंने समय लिया और समय लेने के बाद उन्होंने परिवर्तन किया, ठीक है, सरकार ने पहले वाले जो डीजीपी थी उनको भी तोला और जो आगे जिनको रखा है उनको भी तोला, उसके बाद उन्होंने अपने विवेक के अनुसार जो है ये निर्णय लिया है। अब जो मुख्य मुद्दा जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि योगी जी ने एक महीने के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने का वो एक वादा किया है, पर मैं समझता हूं कि उससे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इधर जो 40 दिन गुजरे हैं उसमें क्या हुआ है, और उसमें जो कुछ हुआ है उसका असर जो है वो आगे आने वाला समय जो है उस पर जरूर पड़ेगा। अगर इन 40 दिनों को हम देखें तो मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा खतरा था जो सत्ताधारी पार्टी के सांसद थे, विधायक थे, उनके कार्यकर्ता थे या दूसरे जो इस प्रकार के ग्रुप है, सबसे बड़ी चुनौती तो उनके तरफ से हुई है। तो उसे ये स्पष्ट है कि जो योगी जी कह रहे हैं कि अपराधियों में हम कानून का एक भय पैदा करेंगे, परंतु यहां तो सत्ताधारी ही निर्भय होगा, और सबसे बड़े जो कानून तोड़ने की बातें हैं वो सत्ताधारियों ने की, और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के इतिहास में, पुलिस के इतिहास में जो सबसे बड़ी जो घटना हुई है वो सहारनपुर के एसएसपी के घर पर हमला था जी। और मैं 32 साल पुलिस विभाग में रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि एक जिला पुलिस कप्तान के घर पर जो है एक भीड़ जुट के हमला करे और उसकी पत्नी अपनी बच्चों को लेके गाय भैंस का जो तबेला है उसमें जाके छुप जाए। तो ये जो प्रशासन चलता है ये इकबाल से चलता है, अगर जिला कप्तान का ये हाल है, उसके बच्चों का ये हाल है, तो जो आम यानी सर आपको लगता है कि सरकार को अपना इकबाल अब और मजबूत करना होगा, क्या होगा, और मिसाल भी पेश करनी होगी अपनी पार्टी के ही कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करके जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं, साथ ही गुंडागर्दी करते हैं भगवा के आड़ में। मनोज त्यागी जी, मैं आपके पास कार्रवाई हुई दिखाई नहीं दी, ठीक है सर मैं आपके पास आऊंगा। मनोज त्यागी जी, योगी जी ने कुछ बातें जो आज गोरखपुर पहुंचने के बाद कही है, हालांकि दूसरा मौका है मुख्यमंत्री बनने के बाद जब गोरखपुर पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि कानून का राज आएगा, विकास की बातें भी तमाम कही हैं, महिलाएं महफूज रहेंगी, एक महीने में कानून व्यवस्था में सुधार होगा, साथ ही कहा कि वो लोग यूपी छोड़ दें जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं और जिन्हें भरोसा नहीं है कानून व्यवस्था पर वो भी प्रदेश छोड़कर जा सकते हैं। किसे यूपी छोड़ने की नसीहत है ये मुख्यमंत्री की?
देखिए, मेरे को तो ये लगता है कि पहले तो हमें बड़ा उम्मीद लगी थी, हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार का भी और जनता के भी कि आपने केंद्र में सरकार बनाई जनता ने तो बहुमत की बनवाई, उत्तर प्रदेश में बनाई तो बहुमत की बनाई, कि ये कहने का भी नहीं छोड़ा कि हमारे साथ जो है गठबंधन की सरकार थी हम कुछ निर्णय नहीं ले पाए। तो मैं पहले जनता को भी स्वागत, मगर जब आपके मोदी जी बने तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी और जैसे अभी योगी जी बने तो योगी जी से भी बड़ा उम्मीद थी कि भाई इनके भी परिवार नहीं है तो ये भी जो है प्रदेश के हित की बात करेंगे। मगर आज का जो बयान आया, जिस तरह का बयान आया, उसमें तो सीधे सीधे मेरे को लगता है कि योगी जी भी मोदी जी की तरह अहंकारी हो गए हैं। लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, किसी का घर परिवार नहीं होता है। लोकतंत्र में सबका घर होता है, सबका परिवार होता है, सबका सबका राज्य होता है, सबका देश होता है, किसी एक का नहीं होता। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, बात अगर योगी जी को इतना ही गुस्सा है कि भाई वो लोग बाहर चले जाएं, बाहर कौन जाए पहले ही बताएं, मैं चला जाऊं या आप चले जाएं, भाई गुंडाई करने वाले कौन लोग हैं? आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, आपके पूर्व विधायक हैं, आपके युवा वाहिनी के लोग हैं, आपके युवजन समाज, आपकी जो क्या कहते हैं युवा जो आपके और पता नहीं कितने दल बना रखे हैं आपने बजरंग दल करके, वो सभी लोग आपकी गुंडाई कर रहे हैं। आप पहले तो उनसे कहिए, देखिए अगर आप, हमें उम्मीद थी कि वाकई सत्ताई होगी और लोकतंत्र ठीक से चलेगा प्रदेश का। स्थिति ये हुई जब एक दो घटना होते होते रही, विधायकों ने सिपाहियों को पीटा, थाने में पिटाई हुई है, होते होते अति तो सब जब सहारनपुर के, अभी हमारे सब प्रवक्ता कह रहे थे, जब सहारनपुर के SSP के घर में घुस के जो तोड़फोड़ की गई, जिस तरह से उनको पीटा गया वहां पर कर्मचारियों को, जो अभी न्यूज में आया ही नहीं, बहुत सारी चीजें अंदर बदतमीजी की गई भाई साहब फोर्स के साथ वहां पर, और कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ, जिस तरह से उनके बच्चे जो है तबेले में जाके घुस गए हैं, उस आदमी को मैं तो ये कहता हूं कि तुरंत ही जो सांसद थे उनको पार्टी से निलंबित करना चाहिए था, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा करके गिरफ्तारी करा करके एक उत्तर प्रदेश को एक मैसेज देते कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पार्टी का विधायक हो, चाहे वो गुंडा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो कि पार्टी अभी तक नहीं कर। एक चीज सर, देखिए इकबाल जो कायम होता है अधिकारी वही होते, जो अभी हमारे साथियों ने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इकबाल होता है सरकार का, सरकार के मुखिया का। सरकार के मुखिया को अगर अपना इकबाल कायम करना है तो उसे जिले के अधिकारियों को ताकत देनी पड़ेगी, यही पुलिस फोर्स इतनी ताकतवर होगी जिसका सोच भी नहीं सकते। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जब ब्रजलाल जी अब इनके यहाँ पे अभी आ गए हैं, जो भाजपा ज्वाइन कर चुके, जब वो SSP मेरठ थे, बुलंदशहर रहे, DGP भी रहे हैं, उनका इतना इकबाल था कि वो बदमाशों को मारने में एक्सपर्ट कहे जाते थे, एनकाउंटर करने में एक्सपर्ट रहे। उसी तरह यूपी के अंदर हमारे जो नवनीत सिकेरा IPS अफसर रहे हैं, जब उस टाइम वो मेरठ भी रहे, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, तो मेरठ के बदमाश मुजफ्फरनगर भग जाते थे, और मुजफ्फरनगर जब वो रहे तो उन्होंने सबसे ज्यादा एनकाउंटर किए, तो बदमाश या तो जेल में चले जाता था और या फिर वो भाग जाता था जिले छोड़ करके। अगर उत्तर प्रदेश के DGP जैसे, मैं वाकई बहुत अच्छी बात है, मैं उनको भी जानता हूँ, वो बहुत ईमानदार आदमी, अच्छा आदमी है। देखिए अच्छे आदमी अपॉइंटमेंट करा दो, अच्छे अधिकारी को जिले में पोस्ट कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा उनको उनकी ताकत के साथ, उनको जहां अपॉइंट किया उसको ताकत दी जाए, यानी ताकत का अभाव आपको लगता है कि वो सरकार नहीं दी गई, अगर पावर दी जाए तो शायद कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है, नहीं तो कथनी और कानून में फर्क रहेगा। जी मैं आपके पास आऊंगा सर, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसे स्टेप उठाने चाहिए ताकि जो सवाल उठ रहे हैं, और सबसे पहले क्या मिसाल के तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो भगवा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं? अक्षय जी देखिए, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक तो ये है कि हमारे यहां ये परिपाटी रही है जी, कि जो भी पार्टी सत्ता में रही है उसके विधायकों ने, उसके सदस्यों ने हमेशा अपनी सत्ता का, अपने पावर का दुरुपयोग किया है। ये जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। यहां पर इतना बहुमत मिला हुआ है कि शायद सब लोग सत्ता के नशे में अंधे हो रहे हैं। योगी जी का कहना है कि प्रदेश छोड़ के भाग जाएं क्राइम करने वाले, वो एक बार अपने दल के लोगों को भी चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि योगी जी एक बार पूरे विधायक मंडल की बैठक बुलाएं और उनको उतने ही कड़े शब्दों में चेतावनी दें जी, कि अब तक जितना हो गया है हो गया है, अब अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसको हम पार्टी से निकाल देंगे जी। दूसरी चीज ये है कि पुलिस को
ठीक है पुलिस का इकबाल होना चाहिए, लेकिन वो पुलिस भी अपने अधिकारों का मिसयूज ना करे, इसके ऊपर भी कुछ नजर रखनी पड़ेगी, कुछ कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो जो एक समन्वय होता है सत्ता पक्ष में और अधिकारियों में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर पुलिस वाले नहीं सुनेंगे या डीएम नहीं सुनेगा तो शिकायत होगी कि विधायकों की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अगर वो उनके पास गलत बात लेकर के जाते हैं और नहीं करते हैं तो उनकी फिर खाल उतरवाने की बात की जाती है। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है सिचुएशन की, इसमें जब तक ये बात सारे राजनीतिक दलों को एक साथ बैठकर नहीं करनी चाहिए, या फिलहाल हम ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता इस बात को लेकर के बैठ जाएं, गंभीर हो जाएं कि भाई हमको सत्ता मिली है, हमको खुद इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पार्टी की छवि न धूमिल हो। सर यही तो नहीं हो पा रहा, इसीलिए तो हम बार बार बहस लेकर भी आते हैं कि योगी साहब लगातार खुले मन से सख्ती की बात करते जरूर हैं, लेकिन इसका असर कोई खास नजर आता नहीं है। और जो नरेंद्र सिंह राणा जी जो अभी वो नहीं होगा जी, ठीक है सर, जो अभी अतुल चंद्रा जी ने कहा कि एक सामंजस्य बिठाना होगा शासन प्रशासन में, तब कहीं जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं। तो अब क्या माना जाए कि पार्टी के बेलगाम नेताओं के खिलाफ एक्शन ले पाएंगे योगी जी, इसकी भी तैयारी है? नहीं, ले नहीं पाएंगे, हमने एक्शन लिया है। अब एक्शन वो अखबार में छपे, एक्शन वो जो है कैमरे पे आए, सर लोगों को पता चलना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि सरकार क्या एक्शन कर रही है। नहीं नहीं, लिया एक्शन लिया आपने, मैं राघव लखनपाल जो सांसद हैं वो परसों ही अखबार में मैंने पढ़ा है कि वहाँ के जो मंत्री हैं उनको लेकर वो मिलने आए, वहाँ जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं बालियान साहब, वो दोनों लोग आए और मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा उनको कड़े शब्दों में ये कहा है कि ये क्या हो, तो उन्होंने अपना ब्यौरा दिया। मैं दो बातें बिल्कुल, एक इतना मजबूत पैनल बैठा है और सभी वरिष्ठ हैं, सबको अनुभव है। तो देखिए होता क्या है कि कभी हमने तो नहीं कहा कि ये घटनाएं हुई ये अच्छी घटना है, मीडिया तो आईना है, आईना है, विपक्ष भी एक आईना है, वो यदि चीजें सामने रख रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको सुधार करना चाहिए था। लेकिन सामाजिक जीवन में होता क्या है अक्षय जी, ये कानून किसी अपराधी ने हाथ में नहीं लिया, जो भी घटना घट गई, कोई विधायक या सांसद जो एक जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार पदाधिकारी है, जब हम उसको बुला के ये कहते हैं कि ये स्थिति कैसे खड़ी हुई, तो वो अपना पक्ष रखता है, लेकिन हम उससे सहमत नहीं होते। हम ये कहते हैं कि आपको शिकायत करने के लिए ऊपर अधिकार है, आप बताइए ऊपर, आपने ऐसा ऐसी घटना ये हो गई, क्यों हो गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लेट लतीफ ट्रांसफर पोस्टिंग में हुई या हो रही है, देखिए पहले क्या होता था, या आप सारे अधिकारी लोग बैठे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग जो होती थी या तो उनका कोई पावर है, पैसा है, प्रलोभन है, या उनकी पकड़ है, लेकिन अब तो सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार तो अधिकारियों से बात कर रही है, डेली प्रेजेंटेशन होता है रात में एक एक दो दो बजे तक, आप काम करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, क्या योजना है, कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ा, छोड़िए पिछली बातों को, हम जो है कल की बीती रात पर मातम मनाने वाले लोग नहीं है, हम तो सूरज की आंख में आंख डालकर बात करते हैं साहब, हमें लेना देना क्या है? ठीक है कैप्टन द्विवेदी जी, कैप्टन द्विवेदी जी, जो डिलीवरी देते हैं, जो सामंजस्य की हम बात कर रहे हैं इस बात पर, और जो पैनल में बाकी मेहमान भी हैं, ये कह दूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मित्र के लिए कि तुम बेकार में ही हो, उंगलियां ना उठाया करो, किसी शायर की दो लाइन है कि खर्च करने से पहले कमाया करो, और चाहते हो योगी और मोदी का मुकाबला करना तो बारिशों में जाके पतंग उड़ाया करो, राजनीति करनी सीखे साहब, परिवार के लिए, केवल अपने लिए, ये ऐसे देश या प्रजातंत्र नहीं चलता है। ठीक है, जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए दिया, ठीक है 70 साल बाद अवसर आया, अपने लिए किया है, अपने लिए किया है, कानून व्यवस्था को कैसे पटरी पर लाएंगे। मनोज त्यागी जी, नरेंद्र सिंह राणा जी, मैं आऊंगा सर आप लोगों के पास आऊंगा। सर बहुत दर्शक है जो इस बहस को सुन भी रहे हैं, वो चाहते हैं कि आखिर क्या
निष्कर्ष निकलता है इस बहस का, इसलिए कृपया बड़े उसके साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेहतर तरीके से चर्चा को आगे बढ़ने दें। बिल्कुल अक्सर जी कैप्टन द्विवेदी जी, हम जो सामंजस्य की बात कर रहे थे, अगर एक माननीय खाल खींचने की धमकी देता है कि अब तक मलाई जो खाई खा ली, अब अगर ऐसा हुआ तो खाल खिंचवा दी जाएगी, ये सामंजस्य कैसे बनेगा? अभी पंडित जी ने कहा नीति और नियति की बात है। अगर नेतृत्व स्पष्ट है अपने मंशा में तो ग्राउंड पर ये चीजें नहीं होंगी। ये समय लगता है थोड़ा, ये अवश्य है। केवल मैं इतना चाहूंगा कि एक उदाहरण है इस प्रदेश में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक मुख्यमंत्री के यहाँ एक वांटेड सांसद उन्हीं की पार्टी के मिलने आते हैं और मुख्यमंत्री सीधे हजरतगंज थाने की पुलिस को बुला करके उनको हैंडओवर कर दिया जाता है पुलिस कस्टडी में। एक वो बड़ा डेयरिंग एक्ट था, हालांकि उसके बाद उस चीज का एक्शन फॉलो अप क्या हुआ आई डोंट नो। अगर कुछ एक्शन हो जाते हैं हाईएस्ट लेवल पे तो ये अवश्य है कि एक संदेश चला जाएगा कि जो लोग भी पार्टी इन पावर का नाम लेकर के, पार्टी इन पावर का बहाना लेकर के लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ा संगठन स्तर पर भी जो पार्टी इन पावर है उसको देखना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जैसा कि अभी डीजीपी साहब ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी उसमें अपने डीआईजी आईजी और एसएसपी को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की अभद्रता, किसी भी प्रकार का न्यूसेंस और किसी भी प्रकार की इनडिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी जाति या किसी भी संवर्ग से जुड़ा हुआ हो। इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो महीने भर में आपको ये सामंजस्य दिखाई पड़ेगा और मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि हमारी पुलिस फोर्स बड़ी डेडिकेटेड फोर्स है, हमारी मजिस्ट्रेसी बहुत ही डेडिकेटेड है और ये लोग ग्राउंड पर रिजल्ट देते हैं। सिर्फ इनसे आपको काम कराने की मंशा, इनसे काम कराने फ्री हैंड भी देना होगा सुब्रत त्रिपाठी जी, और ये रिजल्ट देंगे। क्या हाथ खुले छोड़ने पड़ेंगे कि इतना कम से कम अधिकारों का जो जिक्र हो रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को, खासतौर पर पुलिस महकमे की हम बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को अगर पटरी पर लाना है तो हाथ भी खुले छोड़ने होंगे कि अगर जो भी अपराधी प्रवृत्तियों में लिप्त है, वो चाहे किसी भी दल से ताल्लुक रखता हो, कितना भी रसूख रखता हो, उसकी जगह एक है, वो है सलाखों के पीछे, तब सुधार होगा या सिर्फ ऐसे बातें करने से? आपने जो सवाल उठाया बड़ा अच्छा सवाल उठाया, लेकिन हाथ खुले छोड़ने से भी खाली काम नहीं चलता है। अगर हाथ पर बहुत दिनों से प्लास्टर बंधा हुआ हो, अगर हाथ पर बहुत दिनों से प्लास्टर बंधा हुआ हो और एक बारगी हाथ को प्लास्टर काट दिया, छोड़ दिया जाए तो काफी दिन तक उसकी फिजियोथेरेपी करनी होती है, तब जाके हाथ खुल पाते हैं। मैं पूछता हूं कि याद कीजिए आप में से जो पुराने लोग हों कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार के सज्जन इलाहाबाद में जरा सा मिसबिहेव कर दिए थे, इंस्पेक्टर कोतवाली कर्नलगंज ने उनका क्या हाल बनाया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। इस समय आज वह लोग भी सत्ता पार्टी से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हैं जी, कि खाली एक इंस्पेक्टर ने वह हरकत कर दी जो सहारनपुर में नहीं हुई। सहारनपुर में जितना दोषी मैं सांसद को मानता हूँ उससे अधिक दोषी मैं पुलिस प्रशासन को मानता हूँ कि जो इंस्पेक्टर आर के सिंह ने कर्नलगंज में किया वह हरकत, वहां पर जो इंस्पेक्टर थे, जो सीओ थे, मान लीजिए एसपी डीएम वहां मौजूद थे मौके पर जी, हरदम पुलिस लाइन में सैकड़ों सिपाही, हरदम पुलिस कार्यालय में पुलिस स्पेशल बगले पर पीएससी और पुलिस और दीवान मिला के सैकड़ों आदमी रहते हैं। जब एसपी बंगले पर नहीं थे तो किसी आदमी को घर में प्रवेश देने का क्या अधिकार था? सांसद को संतरी ने क्यों घुसने दिया, क्यों नहीं उनके साथ वहीं अपराधियों जैसा व्यवहार किया, किस बात कौन ज्ञापन लेने के लिए वहां बैठा हुआ था? और फिर सूचना देने पर इस मोबाइल के एज में 2 मिनट में सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी क्यों नहीं पहुंच गए? जिले की पुलिस लाइन का आरआई क्या कर रहा था? अगर घंटों तक तांडव चलता रहा
एसएसपी बंगले में, तो जूलियस सीजर में शेक्सपियर ने लिखा है जी, फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ कि ए डियर ब्रूटस गलती जो है दोष जो है हमारे सितारों का नहीं, हमारा है। जो काम इंस्पेक्टर कर्नलगंज आर के सिंह ने देश की इंडिया लेवल की राजनीतिक फैमिली पर जितना कड़ा दमन तक चलाया, जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे जिनके परिवार में केंद्रीय मंत्री और थे, जो स्वयं खुद विधायक थे, जो स्वयं खुद एक महान पद पर थे, और उनको अपनी औकात बता दी, वह औकात सहारनपुर का पुलिस ऑफिस में मौजूद लोग, एसएसपी बगले मौजूद लोग क्यों नहीं बता सके? यह क्या पुलिस विभाग के लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं है? और रही बात यह कहना कि ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं, जहां पर काहिल और लोग रहे हैं हर जगह हुई हैं जी। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय डी के पंडा साहब के साथ जी, जो कि और उनके परिवार के साथ जो हादसा हुआ है, बड़े भाई को प्रणाम पूर्वक कहूंगा, उसे मत भूले, ऐसी घटना पहला भी होती नहीं है। हाईकोर्ट तक में हल्ला बोल हुए हैं और पुलिस अधीक्षक बलिया के साथ जो हादसा हुआ वह किसी से छिपा नहीं है, उनके परिवार के साथ। यानी जो आप लोग हैं एग्जाम्पल अभी बताए सर, हाथ जो है 15 साल 20 साल 25 साल से सन 80-81 के बाद पुलिस के हाथ जिस तरह बांधे हुए, मुझे याद है, पता कर लिए भाई ब्रिजलाल जी जी खाली इलाहाबाद में एक बहुत वरिष्ठ मंत्री से मिलने गए और उनके यहाँ एक अपराधी बैठा था जो उनको देख के मुस्कुरा दिया। एसएसपी खड़े थे, सॉरी एसपीसी खड़े थे और वह बैठा रह गया। इतने में वे मंत्री बर्खास्त हो गए थे। हमने जब नौकरी चालू किया तो मैंने वह जमाना देखा है। बिल्कुल, यानी सर जो एग्जांपल आप लोग बता रहे हैं कि हाँ, ये एग्जांपल आप सेट नहीं होते देखते और यही वजह है कि कुछ इस तरह की परिस्थितियां। ठीक है सर, शुक्ला द्वारा जी, हर किसी पार्टी शासन रहा हो, अब भले एक एमपी बंद कर दिया गया हो, लेकिन कितने लोगों ने औरैया में बांधा में क्या किया, उसके बावजूद एमपी को बंद करा देने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय मायावती जी ने एमपी को बंद करा दिया था, इसके बावजूद औरैया में बांधा में क्या नहीं हुआ, ठीक है सर, यह किसी छिपा नहीं है। ठीक है सर, यानी जो ये तमाम एग्जाम्पल्स भी निकल कर सामने आ पा रहे हैं। एसआर धारापुरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। इधर कैप्टन द्विवेदी जी ने भी एग्जाम्पल दिया, त्रिपाठी जी की तरफ से भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये एग्जाम्पल क्या आपको लगता है कि जो पिछले काफी वक्त से, जैसा अभी 1980 के बाद से सर जिक्र कर रहे थे कि ये एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक उम्मीद शायद ठीक तो नहीं है। देखिए ये बात तो सही है कि पिछले काफी अरसे से जो ब्यूरोक्रेसी है जी, उसका मनोबल गिरा है और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो राजनीतिक नियंत्रण है वो अधिक हावी हुआ है, जिसके कारण राजनीतिक दखल अंदाजी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। पर इधर अब जैसे योगी जी एक महीने के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल सुधारने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि इस समय पुलिस का जो पीछे जो घटनाएं हुई है 40 दिन में, उससे जो पुलिस अधिकारियों का मनोबल गिरा है, उनके मनोबल को जो है वो नॉर्मल लाना होगा, उनको आश्वस्त करना होगा कि आप कानून के अंतर्गत कार्रवाई करिए और कानून के समक्ष समानता का जो असूल है उस असूल को पूरी शक्ति के साथ लागू करिए। जो अपराधी हैं उनमें कानून का भय पैदा होना चाहिए और जो साधारण लोग हैं उनके अंदर कानून का एक सम्मान पैदा होना चाहिए, उनको ये भरोसा हो कि कानून हमारे साथ खड़ा है, हमारे पक्ष में खड़ा है। तो जब आप अधिकारियों को कानून के अंतर्गत काम करने की छूट देंगे परंतु ज्यादती करने की नहीं, क्योंकि इसमें यह भी होता है जब आप अधिक छूट देते हैं तब अधिकारी अति उत्साही होकर या दूसरे कारणों से वो कानून का उल्लंघन करने लग जाते हैं, जिससे जनता का या आम आदमी का जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है। यानी सर आपको तो लगता है कि एक एक बैलेंस के साथ योगी जी को कदम उठाने होंगे। मनोज त्यागी जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। त्यागी जी अपनी बात भी पूरी कीजिए, और साथ ही जो एग्जाम्पल्स की चर्चा लगातार हो रही है, पिछले काफी वक्त में ऐसे एग्जाम्पल देखने को नहीं मिले, और शायद यही वजह है कि राजनीति जो हावी हुई है कुछ ऐसे अधिकारियों की वजह से जिन्होंने पूरी जमात को कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम किया है, इसके पीछे यही वजह है ना।
देखिए अभी जो आपने कहा भी अभी जो कहा कि पहले उन्होंने कई एसएसपी के भी जिक्र हुए एसपी सिटियों के लिए, अभी जो हमारे सहारनपुर के जो कप्तान साहब थे उनके साथ जो ज्यादती हुई, अभी जो कहा कि सांसद जी साथ गए हैं मुख्यमंत्री जी को उन्होंने अपने बताया, मुख्यमंत्री ने हड़काया, कुछ नहीं हड़काया, मुख्यमंत्री जी खुद वहीं अरेस्ट करवा देते तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं ये कह रहा हूँ, बदमाश तो छोड़िए कितना भी बड़ा कोई शेर शाह सूरी भी होता वही भाग जाता छोड़कर। सर इसीलिए तो हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि ये इतनी नीयत साफ क्यों नहीं होती है। ये नंबर दो जो इन्होंने कहा, देखिए एसएसपी साहब को जो है सहारनपुर से उनसे कहा गया होगा कि भाई आप बयान मत दीजिएगा, हम आपको बढ़िया पोस्टिंग देते हैं, उनके साथ वो जो अगर या तो फेलियर है, अभी आपने कहा कि वो जो है जिले का कप्तान अगर बंगले में घुस गया उसकी फोर्स पे इतनी पकड़ नहीं है कि वो उठा के सांसद होता या छोटे मोटे गुंडे जो उस घर में बदतमीजी कर रहे थे जो उनके इशारे पे फोर्स काम नहीं कर पाई, तो उसका मतलब तो एसएसपी फेल है, उसको उठा के एसएसपी को नोएडा का एसएसपी बना दिया। भाई क्यों बना दिया आपने, जो आप सहारनपुर नहीं संभाल पाए कि इसलिए कि आप अपनी जुबान चुप रखें। रही बात कहने कथनी करने की, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा कहा कि एक साल का टाइम दे दो, सबको पता है कि सरकारें 5 साल के लिए आती है, ये एक नियम बन गया कि 100 दिन का टाइम दे दो कि मैं जो है एक के बदले 10 सिर लाऊंगा। अभी तक देश ने देखा है, देख ही लिया कितने सिर आए हैं, और प्रदेश में कहा कि मुझे जो है 100 दिन का टाइम दे दो, मैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दूं। सरकार आ गई, 100 दिन में क्या हो रहा है आप खुद देख सकते हैं, कितना बुरा हाल हो गया अभी तक 45 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। और रही बात, एक मिनट सर, अभी मेरे जो हमारे मित्र कह रहे थे जी कि व्यवस्था ठीक करने में टाइम एक घंटे के अंदर ठीक हो जाएगी, अगर जो सांसद और विधायकों जिन्होंने बदतमीजी करी है और जो बड़े लोग हैं उनको उठा के आज अभी रात में अगर जेल भेज दिया जाएगा, सुबह के जब पन्नों पर छपा मिलेगा तो सर, इसी एग्जांपल सेट करने की बात तो हम लगातार इस बहस में भी कर रहे हैं कि ऐसे कदम आखिर अब क्यों देखने को नहीं मिलते हैं। चंद्रशेखर पांडे जी, गायत्री प्रजापति जैसे लोग जिनके खिलाफ सर्वोच्च अदालत की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है, अरेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि एक सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बड़ा कद है, कैबिनेट में मंत्री भी रहे, गिरफ्तारी नहीं होती है, सत्ता परिवर्तन होता है और उसके बाद ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये तो साफ जाहिर करता है ना कि जो सत्ता पक्ष होता है कहीं ना कहीं प्रशासन को दबा कर रखना चाहता है। अच्छा जी, जो गायत्री जी का प्रकरण है वो आपको याद होगा एफआईआर भी वो हमारे ही रिज्यूम में हुई थी, और जब वो गिरफ्तार हुए तो भी हमारे मुख्यमंत्री ही थे, और जब वो वापस जब सर कोर्ट के आदेश के बाद सर्वोच्च अदालत ने जब फटकार लगाई तब उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, अब उसका क्रेडिट भी ले लेंगे क्या आप? देखिए नहीं, अच्छा जी, पहली बात तो मैं एक चीज साफ साफ स्वीकार करता हूं, कुछ हमसे गलतियां हुई होंगी तभी जनता ने हमको दंड दिया है, और वो गलती हमारी थी कि या परिस्थिति जन्य हालात थी, महत्वपूर्ण विषय ये नहीं है। हमको हमारा दंड जो हमने किया है कहीं ना कहीं हम स्वीकार करते हैं कि गायत्री में गलती हुई या उससे पहले गलती हुई, या रास्ता बसता नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पाए। इसके अलावा कोई चंद्रशेखर जी कोई रास्ता बसता है क्या? मुझे बात पूरी कर लेने दे। आपने कहा कि गलती स्वीकार करते हैं सर, 5 साल तो आपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहाल कर दिया, आप कह रहे हैं कि हाँ हम गलती हम स्वीकार कर रहे हैं, आम जनता ने फैसला दे दिया। अच्छा जी, मुझे बात पूरी करने दे। अच्छा जी, मुझे बात पूरी करने दे, बस छोटे में बात पूरी कर दे रहा हूं मैं। महत्वपूर्ण गायत्री नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो हमने किया लाइन ऑर्डर की केस में, हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने जो एक बहुत बड़ी लाइन खींची है, हमें इस चीज को नहीं इनकार करना होगा कि आज की डेट में भी कानून व्यवस्था के लिए जो डायल 100 के रूप में संसाधन देना, लगातार एक जबरदस्त तरीके की 70,000 से ऊपर भर्ती करना, लगभग 65,000 से ऊपर प्रोन्नति करना, उसके अलावा में जितने भी बड़े आप जिस आज मंच पे माननीय मणि जी को जिसे चुके वो विधायक है इसलिए मान नहीं लगाना पड़ रहा है, वो वहां मौजूद थे, वो जिसे हमें भी मालूम था कि विधायक बनेंगे, पर ऐसे 14 विधायक जो आज की डेट में 6 हैं और वो अगर हम टिकट देते तो 14 विधायक जीत के आते, 14 सीटों पे हमने लात मार दिया, पानी अपना फेर दिया, हमने कहा हमें 14 सीट नहीं चाहिए, परंतु कोई अपराधी नहीं चाहिए, जीत हार सर उसके बावजूद टिकट दिए गए, उन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र सिंह राणा जी, वक्त भी है हमारे इस अखिलेश यादव जी के इस बड़े निर्णय को ये पैनल और बुद्धिजीवी इसको सुनने नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये जरूर महत्वपूर्ण होता। चर्चा को विराम देने का वक्त भी है, हम ये जरूर चाहेंगे कि आप सभी मेहमानों का एक छोटा छोटा कॉमेंट जरूर मिले। नरेंद्र सिंह राणा जी, एक जो तस्वीर सामने आई अमनमणि त्रिपाठी की, उनकी मौजूदगी के मायने क्या है? साथ ही जो हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो भगवा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको लेकर सरकार क्या सख्ती दिखाएगी? तीसरा,
पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता अगर गुंडागर्दी करते हैं, सरकार की छवि तो खराब कर रहे हैं, प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में कदम देखने को मिलेंगे, ताकि लोग भी इस बात को भरोसा करें कि एक महीने में आप कानून व्यवस्था को सुधार देंगे? संक्षेप में, एक लाइन में केवल पी ऑफ पी हमारी नरेंद्र मोदी सरकार का एक ही लाइन में एक ही मंत्र है सबके लिए, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। यदि कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो विधायक है, सांसद है, पार्टी का अध्यक्ष है, कोई है, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जनता जनार्दन ने जो मैंडेट दिया है वो किसी विश्वास पर दिया है। दूसरी बात, ये आपने इनसे पूछा था, गायत्री प्रजापति के यहाँ से इन्होंने चुनाव का श्री गणेश किया था, गायत्री प्रजापति को 11 तारीख को जब रिजल्ट आ गया और वो चुनाव, सर छोड़िए ना, उन 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 बातों में कुछ रखा नहीं है, वो सिर्फ एक जिक्र के तौर पर जरूर था, वो मंशा देखी जा रही थी, सर मंशा को लेकर, वरना आरोप आरोप प्रत्यारोप तो खूब लगते रहे। ठीक है सर, ये लोग जो है अपने गिरेबान में जाके और जो है ये तय करें कि किस तरह इन्होंने जो है 11 तारीख को परिणाम आने तक की वो माननीय हुआ सर, वो सब हमने दिखाया राणा जी, उस पर अब जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब कुछ काम करने की जरूरत है। कैप्टन द्विवेदी जी, ठीक है सर, कैप्टन द्विवेदी जी, फाइनल कमेंट भी मैं आपका चाहूंगा बड़े संक्षेप में, आप क्या सलाह भी देना चाहेंगे एक पूर्व अधिकारी के तौर पर, क्योंकि आपने काफी नजदीकी से तमाम चीजों को देखा है, कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, कुछ संदेश देना चाहेंगे? सुशासन के लिए सख्ती बहुत आवश्यक है। माननीय कल्याण सिंह के जमाने में, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में जी, एक ड्राइव चली थी जिसमें बदमाश प्रदेश छोड़ के काफी हद तक भाग गए थे जी, और एनकाउंटर्स का जमाना था, जो भी बदमाश थे या तो जेल चले गए और या प्रदेश की सीमा से बाहर हो गए। कुछ इस तरह का ड्राइव पार्टी पावर को सोचना पड़ेगा, योगी और योगी सरकार का जिस तरह से वो लगातार सख्त हिदायत दे रहे हैं। और दूसरा यह है, इसमें जो सबसे आवश्यक यह है कि इनको अपनी पार्टी के लोगों को, चाहे उच्च पदस्थ हो या सामान्य सदस्य हो, अगर वो गले में पट्टा डाल के बदमाशी करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जब तक एग्जांपलरी पनिशमेंट नहीं होगा तब तक पब्लिक में विश्वास नहीं पैदा होगा। ठीक है सर, सुब्रत त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट आपका। एक सूचना ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री ने ऐसे 9 IAS अधिकारियों की सूची भी तैयार की है जिन्हें शायद यूपी में भेजे जाने की तैयारी है, यानी गंभीर है केंद्र सरकार भी यूपी को लेकर, और योगी सरकार तो है ही। प्रश्न यह है कि एक चीज तो स्वागत योग्य मुझे दिखी जी, कि 200 साल बाद, दर्जनों साल बाद प्रदेश में किसी सीनियर मोस्ट डीजी को डीजीपी बनने का मौका मिला, वरना दर्जनों साल में किसी भी पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री आए थे लगभग उन्होंने एक परंपरा बना डाली थी कि जो जूनियर मोस्ट डीजी हो, सबसे जूनियर सीढ़ी बैठा हो, वह दर्जनों अपने सीनियरों के सिर पर लात रख के बैठे। इस गंदी परंपरा को, इस घृणित परंपरा को समाप्त किया गया है, और हमें आशा करनी चाहिए कि एक ऐसा आदमी बैठाया गया है जिसका कोई दुश्मन भी उसके ऊपर, उसके चरित्र पर, निष्ठा पर उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है, ऐसा धारापुरी साहब, फाइनल कमेंट आप करना चाहूंगा। रही बात जो उन लोगों की कही गई जी जी, ठीक है सर, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस्तीफा दे के भागे भाई के मरने पर, और कल्याण सिंह जी वे मुख्यमंत्री थे जिनको खुद को मारने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला ने चैलेंज किया, और उन्हीं की पार्टी के 9 मंत्रियों का उसकी पीठ पर हाथ था, जिसकी बात टीवी अखबार में आती थी, और उन मंत्रियों को बर्खास्त करने की कल्याण सिंह जी की हिम्मत नहीं पड़ी। ठीक है सर, एस आर धारापुरी साहब, कुछ ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे जैसा त्रिपाठी जी बता रहे? बिल्कुल बिल्कुल, एक तो पुलिस को कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने की पूरी छूट होनी चाहिए, और दूसरा पुलिस के ऊपर एक निगरानी भी होनी चाहिए कि वो कानून का उल्लंघन ना करें, कानून के पार नहीं जाए, और उसके लिए जरूरी है कि अब तक जो पुलिस के काम में राजनीतिक दखलअंदाजी रही है, उस दखलअंदाजी को पूरी तरह से रोका जाए, तब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुधर सके। ठीक है, अतुल चंद्रा साहब, क्या हालात बदलेंगे, हाँ या ना में ही जवाब चाहूंगा आपसे, उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, हालात बदलेंगे इसकी उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि जैसा त्रिपाठी जी ने कहा एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस महानिदेशक बनाया गया है
जो जिसके बारे में हमारे जी, बिल्कुल, सभी बिल्कुल, की राय एक ही जी, है। जी बिल्कुल कम से कम ये संदेश तो कम से कम बेहतर आप लोगों को लगा। मनोज त्यागी कुछ शेयर भी करना चाह रहे हैं और उसके बाद समापन हम कर रहे हैं। मैं एक गरूर के ऊपर एक बात करूं, शेर के साथ समाप्त करता हूं अपनी बात। जो गरूर से कभी सरकारें नहीं चला करती और जो शब्दों में मुझे आज मुख्यमंत्री के लिए दिखाई दिया वो गरूरी दिखाई दिया और अहंकार दिखाई दिया, तो उस पर एक शेर दे रहा हूं अपने बीजेपी के भाई को, अपने नेताजी को भी, उनके लोगों भी, कि अपनी हर फतेह पर इतना गरूर मत कर, अपनी हर फतेह पर इतना गरूर मत कर, मिट्टी से पूछ आजकल सिकंदर कहां है। बड़े बड़े लोग आते हैं चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपने शेयर के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि योगी जी तक भी ये संदेश पहुंचा होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो अब योगी सरकार के सामने चुनौती एक बड़ी है, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि एक महीने के अंदर बिगड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास करेंगे, लेकिन बहस के दौरान जो तमाम बिंदु निकले हैं कि अगर उन पर जब तक काम नहीं होता है तो फिर ऐसे वादे करना और उनको पूरा करना मुश्किल भी हो सकता है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।